सो सैमसंग गैलेक्सी S23, तो बेसिकली आपको जैसे कि पता है कि S22 अल्ट्रा की सीरीज या फिर S22 बहुत ही एक अच्छे स्मार्टफोन हमें सैमसंग की तरफ से देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको S22, S22 प्लस और S22 अल्ट्रा देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सारी इंप्रूवमेंट के साथ हमें S सीरीज के स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। बट इसी ही सीरीज का एक और नया डिवाइस जिसमें हमें S23 अल्ट्रा, S23 प्लस और S23 देखने को मिलेगा। तो कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स इस स्मार्टफोन की देखने को मिले, बहुत सारी इंटरेस्टिंग लीक्स आई है, ये कैसा ये S23 अल्ट्रा देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये जो स्मार्टफोन आपको बहुत ही इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएगी इस बार सैमसंग की तरफ से। वही इंप्रूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी बैटरी लाइफ में और कैमरा में। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक स्मार्टफोन में आपको 4500 या फिर 5000 एमएच की डार्ट बैटरी लाइफ देखने को मिलती है, जो कि लिथियम टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। बट अब जो है इसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होएगी, जो कि आपको बैटरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगा और इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो आपको बिग अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे कैमरास में, जहाँ पर आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। प्रीवियस मॉडल में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही डिटेल लेवल फोटोग्राफी करता है, 8K या 30 fps में वीडियो रेजोल्यूशन कर सकते हैं। बट इस बार आपको देखने को मिलेगा 200 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसमें आप 8K एट 60 fps की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंप्रूवमेंट एक वीडियो इंडस्ट्री में हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पर 8K रेजोल्यूशन आप 60 fps में रिकॉर्ड करेंगे, जो कि बहुत ही स्मूथ और काफ़ी डिटेल लेवल फोटोग्राफी करेंगे 200 मेगापिक्सल में। 108 मेगापिक्सल में भी आप बहुत अच्छी डिटेल लेवल फोटोग्राफी कर सकते हैं, बट 200 मेगापिक्सल में आप एक्सपेक्ट करें कि कितनी उससे डबल आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो जूम की अगर हम बात करें तो मे बी इस बार आपको 150x का जूम देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा जूम है। आप 100x का अगर एक्सपेक्ट करें तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और उसके ऊपर अगर आप 150 कर दें तो बहुत ही ज़्यादा आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कुछ लीक्स ऐसी निकल कर आ रही है कि यहाँ पर आपको न्यू चिपसेट देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगी इस बार, या फिर एक्सिनोस की देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप या फिर किसकी और ही चिपसेट, इसका कुछ और ही नया नाम देखने को मिलेगा, जो कि एक सैमसंग इंडस्ट्री में आपको बहुत ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी परफॉर्मेंस वाइज। जैसे कि आपको पता है कि सैमसंग में आपको रिसेंटली आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 8 जेन, जो कि फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलता है, उससे 2 गुना ज्यादा यानी कि डबल परफॉर्मेंस इस बार आपको नए चिपसेट में देखने को मिलेगी। ये नहीं पता है कि इसका नाम आपको एक्सिनोस सीरीज का ही देखने को मिलेगा या फिर डिफरेंट नाम के साथ ये स्मार्टफोन आपको नई चिपसेट के साथ देखने को मिलेगा। सो ये इसके कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स या फिर लीक्स आप कह सकते हैं, जो कि हमें S23 अल्ट्रा की सीरीज की हमें देखने को मिल जाती है, और ये जो स्मार्टफोन आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा, बट इसकी लीक्स काफी चेंज होती रहेगी। तो स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिजाइन की इसकी कोई भी ऐसी लीक्स निकल कर नहीं आई है, तभी मैंने वो आपको नहीं बताई है। बट इसके जो इनबिल्ट फीचर्स, इनबिल्ट हार्डवेयर की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लीक्स निकल कर आई है। तो अगर आप एक प्लान कर रहे हैं सैमसंग का और नया स्मार्टफोन बाय करने का, या फिर आप सैमसंग फैन है एस सीरीज के, या फिर आप हर साल अपग्रेड करते हैं एस सीरीज को, या फिर करंटली आप S22 सीरीज का कोई भी स्मार्टफोन यूज करें, तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली काफी अच्छी लगी होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर करना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। Something